नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है द कॉहन प्लेयर। आज जो ये वीडियो है वो बहुत ही अलग तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ अलग दिखाने वाला हूँ। म्यूजिक से हटकर नहीं कह सकते इसको, मगर ये म्यूजिक से रिलेटेड ही है। उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, हम बात करने वाले हैं कुछ साउंड्स की। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बात पूछी है कि आप बजाते तो हैं, रिकॉर्ड तो करते हैं, मगर रिकॉर्ड बनने में जो साउंड आपकी आती है वो अलग क्यों आती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ साउंड के बारे में। सो फोक्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू गेट टू नो मैं वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे टेक्निक की जिससे आप अपने साउंड को और रिफाइन कर सकते हैं, और वो टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, आप लोग जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड करने के टाइम पर जो कॉहन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, जो कि आप माइक जब पीछे लगाते हैं तो वो वाइब्रेशन बहुत सुनाई देती है, वो बहुत ही एक तेल बना देती है बूम करके, जो कि अगर आप अभी ये वीडियो सुन रहे हैं जो इसके बाद मैं प्ले करने वाला हूँ उसमें आपको सुनाई देगी। तो आइए पहले ये वीडियो सुनते हैं। तो फोक्स, आपने ये वीडियो सुना और अब ये वीडियो सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ। आपने सुना होगा जब बेस प्ले हो रहा है तो उसके अंदर एक एको सी आ रही है, एक ट्रेल आ रही है, एक टेल आ रही है सॉन्ग की, हिट की। तो वो हम कैसे हटा सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ उसके साथ अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो ये कैसा साउंड करेगा। तो फोक्स, आपने अभी सुना कि ये साउंड बेटर कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा क्रिस्पनेस है, इसके अंदर जो बीट है वो टेल नहीं छोड़ रही है, एक हिट की ट्रेल नहीं आ रही है। और वो कैसे किया है आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो फोक्स, जैसे आप देख पा रहे हैं ये कॉहन है और कॉहन के पीछे का जो होल होता है वो है जहाँ पर नॉर्मली माइक लगाया जाता है। अगर हम यहाँ पर पोजिशन करते हैं तो माइक, तो यहाँ से एयर जो ब्लो होती है वो एयर माइक पे जाती है और जिसकी वजह से वो हमिंग की साउंड देती है। दैट्स अ मेजर चैलेंज। या फिर कभी कभार जो रूम होता है, रूम के अंदर आपके पास बहुत सारा कॉर्नर्स होते हैं जो मतलब बूम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या जुगाड़ ढूंढा है जिसकी वजह से ये मेरा बहुत बढ़िया से काम करता है, वो है ये पॉप फिल्टर। इस पॉप फिल्टर को मैं इस जगह पर इस तरह से लगाता हूँ जिसे आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से पॉप फिल्टर को मैं कॉहन के पास लगाता हूँ, थोड़ा सा करीब करके जो टच ना करे मगर एट द सेम टाइम इतने डिस्टेंस पे कॉहन से रहे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब ये पॉप फिल्टर लगाकर मैं प्ले करता हूँ तो जितनी भी साउंड है वो तो आती है मगर जो एयर है वो माइक के ऊपर ड्रॉ नहीं होती है, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है, जितना भी साउंड आ रहा है कॉहन से वो माइक कैप्चर करता है मगर वो बहुत क्रिस्प साउंड आती है, यानी जो हिट्स आते हैं जो आपके वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हो जाते हैं। तो ये मैंने एक किसी चीज़ से लगा रखा है वो, तो आप देख पा रहे हैं कि ये बैलेंस हो गया है अच्छे तरीके से। अब मैं अगर इसको प्ले करूँगा तो ये बूम क्रिएट नहीं करेगा, मगर यही अगर मैं हटा के प्ले करूँगा तो ये एक बूम क्रिएट करेगा। तो ये टेक्निक जो है मैं यूज़ करता हूँ जिसके थ्रू मेरा जो साउंड है वो बेटर हो जाता है। सो फोक्स, जैसे कि आपने देखा अभी, ये एक क्विक किल है, क्विक ट्रिक है या टिप कह सकते हैं जो कॉहन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए। आप अगर ये पॉप फिल्टर लगाकर रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत क्रिस्प साउंड आएगी। इनफैक्ट बाकी जो साउंड हैं, जो स्नेयर की है, लोज के अलावा हाइस की साउंड भी है, वो भी बहुत क्रिस्प आती है। तो आप ये ट्राई करके देखिए, आपको बहुत बहुत फ़र्क पता चलेगा। इसके अलावा जब आप शोज़ पर जा रहे हैं और आपको बूम नहीं चाहिए, एक क्रिस्प मैं कहता हूँ कंप्रेशन वाली किक चाहिए है, तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं पॉप फिल्टर। इसके साथ आवाज़ बहुत बहुत क्लियर आती है। सो फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इफ यू नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज द टाइम यू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट टू नो वेन आई कम अप विद न्यू वीडियोज। एंड प्लीज़ मैसेज करके बताइए आपको और कौन से वीडियोज़ चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, आपको टिप्स चाहिए हैं या आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए हैं, अकॉर्डिंगली आई कैन क्रिएट दोस videos. So till you write, share, comment, like,
कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्लेइंग, और ये एक बार आप ट्राई करके देखेगा बहुत सारे पता चलेगा आपको. सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस.